नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल पाम हमारे सामने है और इस पाम में दो तीन खासियतें दिखाई दे रही हैं और सबसे बड़ी खासियत है इनकी जो माइंड की रेखा है, जो ब्रेन की लकीर है, उसका एक भाग जाकर मंगल पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊर्ध्व मंगल जिसे कहते हैं, और मंगल यहाँ पे काफ़ी उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये दो मुहा वो रखा है, लेकिन मस्तिष्क की एक लकीर जो एनर्जी और बल का ग्रह है, जो आपके जो है एनर्जेटिक स्वभाव देने वाला ग्रह है, उस पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो देखिएगा, हमारी जो ब्रेन की लकीर होती है ये परिचायक होती है आपकी बुद्धि की, आपकी विवेक की। किसी व्यक्ति के जीवन काल में हमारी बुद्धि और हमारे ब्रेन का कितना महत्व है ये लगभग सभी लोग जानते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। एक चीज़ आप देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति की लंबी आयु हो, कितनी भी लंबी आयु हो, लेकिन व्यक्ति का जो विवेक है ना, वो अगर संतुलित नहीं है, अगर उस व्यक्ति की बुद्धि संतुलित नहीं है, तो वो लंबी आयु किसी काम की नहीं होती है। आपके घर में कितना भी सुख है, कितनी भी संपदा है, आपका कितना भी अच्छा लग्जरियस जीवन है, सब कुछ पड़ा हो, लेकिन व्यक्ति विवेकहीन हो, बुद्धिहीन हो, तो ये सारी चीज़ें बिना काम की होती हैं। तो ये जो ब्रेन की रेखा है ये आपकी बौद्धिक स्तर को बताता है, और प्रत्येक हथेली में जो ये ब्रेन की रेखा है ये अलग अलग किस्म की होती है। सबसे ज़्यादा जो है यही रेखा जो है आपके जीवन में अगर कहें तो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम साधारण तरीके से जिस तरह से हम देखते हैं हथेली को देखेंगे। आपके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न मैं यहाँ पे कहूँगा नहीं, केवल उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा और वो उत्तर जो है आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो हथेली है और उसका जो आकार है, यहाँ पे एक मिश्रित आकार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये आयताकार ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन चौकोर भी दिखाई दे रही है। मनी आपका जो काम है आपके जीवन में बोलने से ज़्यादा चलेगा, मानसिक कार्य आपको करियर के क्षेत्र में ज़्यादा करना पड़ेगा। जो आप सोच रही है ना कि शारीरिक वर्क, खेल संबंधी हो, कोई भी हो, जो शारीरिक वर्क है ना, आपकी हथेली में वो नहीं दिखाई दे रहा है, मानसिक वर्क ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन हथेली हल्के रूप में चौकोर किस्म की है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको शारीरिक वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती स्वभाव आपका है और मेहनत करने से आप डरते नहीं हैं, कायरता आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रही है, इसका यही मतलब है। लेकिन जीवन काल में निश्चित तौर पे जो है आपको मानसिक वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, आप अपनी जॉब पर ज़्यादा ध्यान दें, उस तरफ जो है एक वैकल्पिक की तरह उस चीज़ को देखें, क्योंकि उसमें आपका करियर या उसमें आपकी कितनी भी रुचि हो, लेकिन वो चीज़ अभी आपकी हथेली में नहीं दिखाई दे रही है। आपकी हथेली का जो आकार है उस हिसाब से जो है वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। ग्रहों पे भी आऊँगा मैं, क्यों नहीं दिखाई दे रही है देखिएगा। दूसरा, अगर हम साधारण तरीके से देखें ना, तो हथेली का जो यहाँ पे रंगत है वो लगभग मिश्रित दिखाई दे रही है। जीवन में कुछ ग्रहों की वजह से अड़चने हैं, संघर्ष है, मानसिक परेशानी है, लेकिन तो भी कोशिश करती हैं कि आपका जो जीवन है आप अपने जीवन का भरपूर लुत्फ उठा सकें, इस तरह की जो है कोशिशें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं।
देखिएगा, सबसे पहले हमारे जीवन पर हमारी दिनचर्या का प्रभाव पड़ता है, हमारे सोच का प्रभाव पड़ता है, और हमारे जो ग्रह हैं ना उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, जो रेखाएं हैं उन रेखाओं का प्रभाव उसके बाद पड़ता है सेकंड हिसाब से। क्यों सेकंड है? क्योंकि ये ग्रह रेखाएं जहाँ से निकलती है ना उस ग्रह के प्रभाव को लिए रहती है, और जहाँ पर ख़त्म होती है ना जो ग्रह जहाँ पे ख़त्म होती उस ग्रह का प्रभाव रेखाओं पे आता है, तब ये रेखाएं अपना फल देती हैं। लेकिन ये देखिएगा आप, सबसे ज़्यादा प्रभाव किस किस का पड़ रहा है आपके जीवन में, और इसका उपाय भी मैं लिख करके दे दूँगा। थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा समय तक उपाय करने पड़ेंगे, और थोड़ी सी अपनी दिनचर्या आपको बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी, तब जाके जो है जीवन में आपको रियल में अगर कहें सुख संपत्ति और प्रतिष्ठा मिलेगी। यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है ना उसका ये जो जड़ वाला भाग है इसको हम सूर्य कहते हैं, और देखिएगा सूर्य का मतलब होता है रोशनी। आप अंधेरे में चाहे कितना भी मेहनत कर लें आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपको रास्ता नहीं दिख पाएगा। वही वर्तमान में आपका सूर्य यहाँ पे कर रहा है, मानी सूर्य अंधेरा जीवन में करता हुआ दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सूर्य का मतलब होता है आपकी तरक्की से। वर्तमान समय में सूर्य के कमज़ोर होने से आपको किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं मिल पा रही है। सूर्य का मतलब होता है आपकी नौकरी से। आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन सूर्य वर्तमान समय में आपका बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है, तो नौकरी के मामले में आपकी मेहनत का और आपकी परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं सूर्य के कारण, और कई बार तो आपके काम जो है बनते बनते ही रह जाते हैं, जो रास्ता वास्तव में मिलना चाहिए था वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और सूर्य का मतलब होता है व्यवसाय से। आप अगर व्यवसाय करने की सोच रही हैं या कर रही हैं तो उसमें विस्तार नहीं मिल पाएगा, प्रसिद्धि नहीं मिल पाएगी, और घाटे में आप जाएंगी, ये निश्चित है। क्योंकि आपका जो उजाले का ग्रह है, जो करियर, जो जीवन में जो है एक तरह से जैसे भगवान सूर्य उदय होते हैं ना, पूरे संसार में उजाला हो जाता है, और जो हमारी पृथ्वी है, हमारा जन जीवन है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसी तरह से जो है आपका सूर्य यहाँ पे अस्त है, तो केवल अंधेरा ही अंधेरा सूर्य दे रहा है, और राज्य सरकार से है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, सरकार या राज्य सरकार से जो सम्मान मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आपकी उन्नति से जो है सूर्य का मतलब होता है, आप कितना भी कुछ कर लो, जीवन में अपनी पूरी जान लगा लो, जो जुगाड़ लगाना लगा लो, जो आपकी जो है जान पहचान है वो पूरा जोर लगा लो, आपको वो उन्नति नहीं मिल पाएगी जब तक आपका सूर्य सुंदर और अच्छे रूप में ना आए, और आपके सम्मान से। ये प्रसिद्धि दिलाना वाला, नेम और फेम दिलाने वाला ग्रह है। देखिएगा अगर हम सूर्य को जाने तो थोड़ा सा देखिएगा, सूर्य को जानना बहुत ज़रूरी है। सूर्य ज्योतिष का भी प्राण होता है और हमारे भौतिक जगत का भी प्राण होता है। आप देखोगे सूर्य न होने तो ज्योतिष की गणनाएं नहीं होंगी, और सूर्य न होने तो इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में जीवन भी नहीं होगा, ये आप लोग भी जानते हैं। समस्त सृष्टि की ऊर्जा, एनर्जी और प्रकाश का जो कारण है ना वो हमारा ये सूर्य ही है। सूर्य न हो तो हमारा जीवन आप लोग भी जानते हैं अंधकार से भर जाएगा, हमारा शरीर का सिस्टम बिगड़ जाएगा, और जिसका सूर्य कमज़ोर होता है ना उसका हार्मोनल सिस्टम कभी ठीक नहीं रह सकता है।
जो शरीर का सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, कई प्रकार के रोग जो है ऐसे व्यक्ति को लग जाते हैं, क्योंकि सूर्य ही नहीं है। पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, आप भी जानते हैं अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो। सृष्टि में ऊर्जा नहीं होगी तो ज़्यादा नहीं, 2-4-5 महीने में ही देख लीजिए आप, दिन में ही देख लीजिएगा, सृष्टि के नष्ट होने की संभावना शुरू हो जाएगी। तो सूर्य इस सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखते हैं हम, सूर्य अगर किसी का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो हमारी जो आँखों का मामला होने उसमें फर्क पड़ जाता है, पेट का मामला होने उसमें जो है गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। हमारी हड्डियों का मालिक कौन है? सूर्य है। विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य से प्राप्त होता है भरपूर मात्रा में। हमें अगर सूर्य ही देखें तो राज्य औषधि पिता और खाद्य पदार्थ का कारक है। सूर्य से नाम मिलता है, सूर्य अच्छा हो तो यश की प्राप्ति होती है, जीवन में आप यशस्वी होते हैं, और सूर्य से ही राज्य का पद मिलता है, किसी भी कारण में सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। सूर्य से ही आपकी स्टेट में बढ़िया पोजिशन की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर आपका सूर्य जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हर तरह की चीज़ों में ये अड़चन दिखाई यहाँ पे दे रहा है। तो आपका सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डाल रहा है आपके जीवन में? आपका सूर्य। अगर आपका सूर्य ठीक हो जाए तो जीवन की 70% समस्या आपकी उसी समय ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, आपकी सूर्य की उंगली बहुत बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है और मिडिल सन की उंगली के लगभग बराबर दिख रही है, ये भी नेगेटिव है। ये कला कौशल और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में जो है नाम नहीं कमाने देती है, ये अपने दुर्गुणों को व्यक्ति के अंदर डालती है, नेगेटिविटी को। अचानक ही कहीं से धन का आगमन हो चाहे किसी भी तरह हो, इस चीज़ की फितरत बहुत ज़्यादा रह सकती है इस उंगली की तरफ से, जैसे लॉटरी है, जुआ है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे अचानक धन की प्राप्ति हो, इसकी फितरत रह सकती है, इसकी संभावना को ये बढ़ा रही है, ज़रूरी नहीं रहेगी लेकिन इसकी संभावना को ये बढ़ा रही है। तो आपका सूर्य हर रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जो हाथ है ना आपका हथेली, वर्तमान समय में इसे बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, आपका जो ये मिडिल फिंगर है इसका जड़ वाला जो भाग है जिसे हम शनि का पर्वत कहते हैं, वर्तमान में वो बेवजह की मानसिक परेशानी दे रहा है, बेवजह की चिंताएं दे रहा है। जीवन में अगर सब कुछ भी होगा ना तो भी आपका शनि इस रूप में बैठा हुआ है कि खुशियों में कमी देने का कार्य ये कर रहा है। आपका शनि बेमतलब की चिंताएं दे रहा है और कभी कभी ये बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे ख्यालात, डरावने ख्यालात भी दे जाता है। समझ में नहीं आता है, व्यक्ति जो है भविष्य को लेकर बड़ा परेशान सा हो जाता है, बड़े भयंकर भयंकर ख्यालात व्यक्ति को जो है आने लगते हैं, क्योंकि उसका शनि खराब रहता है, शनि डराता है और कहीं ना कहीं जो है बेवजह की बेमतलब की जो है चिंताएँ व्यक्ति के अंदर डालता है। इसलिए व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है अगर शनि इस प्रकार से बैठा हुआ हो। यहाँ पे ये बहुत गहरा है, इसका मतलब है जीवन में धोखा मिल सकता है, बड़ा संभल कर रहना चाहिए अगर शनि इस प्रकार से हो। व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है, इस बात की भरपूर संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अपना शनि और सूर्य का उपाय करना बहुत जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर शनि और सूर्य का उपाय न करें तो बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा होगा। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें, एक युक्ति और बन रही है, आपके बृहस्पति महाराज जी जो है यहाँ पे पूरी तरह शनि की तरफ ढले हुए हैं, और जब बृहस्पति महाराज जी पूरी तरह शनि की तरफ ढलते हैं ना तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और ये ढलते हैं
तो देखो महिलाओं के जीवन में जो है बृहस्पति की सबसे बड़ी भूमिका होती है। बृहस्पति आपके शनि की तरफ ढलते हैं तो दाम्पत्य जीवन का सुख बहुत कम मिल पाता है, ना के बराबर। और जो विवाह होने की संभावना होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, वही चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन बृहस्पति अगर इस तरह हो भी, शादी एक बार होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन आपकी जो ये रेखाएं हैं यहाँ पे विवाह रेखा, इसको बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, तो अभी जो है जीवन में दूर दूर तक यहाँ पे कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है कि मंगल कार्य हो, मानी शादी की कोई संभावना वर्तमान समय में आपकी हथेली में नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, हम आपके तसल्ली के लिए अगर झूठ बोलें तो ये ठीक नहीं होता है, देखिएगा, चाहे संभावना हो चाहे ना हो। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी दिनचर्या बदल देता है, अपने में बदलाव कर लेता है, चाहे खान पान में हो, चाहे रहन सहन में हो, चाहे योग प्राणायाम के द्वारा अपने जीवन को सुधार दे, तो रेखाएं भी बदल जाती हैं, ग्रह स्थिति भी 2.5 सालों में जो है अपनी स्थिति को बदल देता है। कुछ ग्रह नक्षत्र 6 महीनों में अपनी स्थिति बदल देते हैं, कुछ साल भर में बदल देते हैं, कुछ 2.5 सालों में बदलते हैं। हाँ, शनि जो है 7.5 सालों में या 2.5 साल में, और राहु जो है 18 वर्ष में अपनी दशा रखता है हथेली में। यहाँ पे जो है उपाय करके योग बन सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो है शादी के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं हथेली में, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली में पूर्ण विवरण हम तब करते हैं, पहले हथेली को देख लेते हैं, जो हमारी मस्तिष्क की रेखा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है, इसकी एक ब्रांच ऊर्ध्व चंद्रमा की ओर, ये मंगल की ओर जा रही है, निकल करके ऊर्ध्व मंगल पर जा रही है, और ऊर्ध्व मंगल जो है यहाँ पे बलि दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और मंगल क्या है, पराक्रम का कारक है। अगर मस्तिष्क से पराक्रम मिल जाए तो क्या होगा आप जानते हैं, और निम्न मंगल भी जो है आपका उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, उच्च मंगल भी आपका अच्छा खासा पुष्ट दिखाई दे रहा है, और दिमाग की लकीर, ब्रेन की लकीर इससे मिल रही है पराक्रम के कारक से। जातक का दिमाग को ये क्षण भंगुर करती है, ये निश्चित है, ये आप प्रैक्टिकल रूप में देखेगा, ये जातक के दिमाग को क्षण भंगुर कर लेती है। बात बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है व्यक्ति को जिसकी हथेली में ऐसे योग बन रहे हों, सहनशीलता की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव बढ़े तो ऐसे जातक हो या जातिका हो, लड़ने झगड़ने मरने मानने पे तुरंत उतारू हो जाते हैं। मंगल मस्तिष्क जो है पराक्रम से मिलता है तो ठीक नहीं माना जाता इसे, और पराक्रम के ग्रह दोनों जगह हथेली में इस तरह से पुष्ट हो और अपने बलाबल अवस्था में हो तो ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर पुरुष की हथेली में हो तो पुरुष ज़्यादातर मामले में उन्मादी हो जाता है, लड़ने झगड़ने में हमेशा बना रहता है। महिला हो तो सहनशीलता की कमी इसमें भी होती है, क्षण भंगुर दिमाग हो जाता है, बात बात पर जो है चिड़चिड़ापन, गुस्सेल स्वभाव बहुत ज़्यादा आ जाता है, और गुस्से के कारण ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल का जो यश की प्राप्ति होनी थी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होनी थी, जीवन में जो है जो है आनंद की प्राप्ति होनी थी, उसको जो है गंवा लेता है। तो आपकी मस्तिष्क की रेखा मंगल से युक्त बना रही है, और मंगल भी जो है यहाँ पे पुष्ट और बलाबल अवस्था में है, तो ये चीज़ें ज़रूर आपकी जीवन में दिखाई दे रही है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, अगर आप देखोगे यहाँ पे बृहस्पति अति पुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है, बहुत पुष्ट। अगर ब्रेन की लाइन इस तरह से जारी हो और ये अत्यधिक पुष्ट अवस्था में हो
जैसा आपका ये है अत्यधिक पुष्ट अवस्था में, तो व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम घर कर जाती है और खाने में ऐसा व्यक्ति बड़ा रुचि रखता है, भोजन प्रिय बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार ऐसा जातक कुछ भी खाता रहता है, हर समय खाता रहता है, इस बात की संभावना जो है ज़्यादा बन जाती है। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, आपका जो सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर जो पर्वत है उसको हम चंद्रमा कहते हैं, और यहाँ पे चंद्रमा गड़बड़ अवस्था में दिख रहा है। भावुकता ज़्यादा रह सकती है, इमोशनली बहुत परेशान हो सकते हैं, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है। और चंद्रमा के इस तरह से होने से कभी भी मन अच्छा नहीं रह सकता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए अगर हमारा मन सही नहीं होगा तो निश्चित तौर पे हमारा पेट भी जो है ज़्यादा सही नहीं रहने की संभावना दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा निगेटिव हो तो जातक को, चाहे महिला हो पुरुष हो, माँ का सुख कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, और नींद आने में भी दिक्कत आती है। कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे ये जैसे जैसे कमज़ोर होने बैठ जाएगा, गड़बड़ होने बैठ जाएगा, गिराता जाएगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी जो है बढ़िया नहीं रहता है, गड़बड़ आ जाता है सारा कुछ। तो इसलिए जो है आपको जो उपाय दूंगा मैं एक दिनचर्या के हिसाब से दूंगा, और उन उपायों को उसी तरह से करें तो निश्चित तौर पर जो है सफलता की प्राप्ति होगी। अब मैं आपकी जो है बचे हुए भाग का विश्लेषण करता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं, और प्रथम आचार्य जो इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे वाला ही इस भाग को कहते हैं, ये देवताओं के गुरु हैं और ये बृहस्पति महाराज हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। अंगूठा है उसके नीचे का ये भाग है, इसको इंग्लिश में वीनस का माउंट कहते हैं, और ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये दूसरे आचार्य जी हैं। थोड़ा समझने की आप कोशिश करें। और जो ये पहली उंगली है ना हमारी, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स का फिंगर, तर्जनी उंगली, ये पूरी तरह से झुक रही है, आप भी देखिएगा। और किस तरफ झुक रही है, ये बीच की उंगली की तरफ, और बीच की उंगली का जड़ वाला भाग क्या होता है, शनि का पर्वत, भाग्य स्थान भी कहते हैं ना इसे, क्योंकि भाग्य की जो लकीर है यहीं पे आके रुकती है, इसलिए इस स्थान को हम भाग्य स्थान कहते हैं। और जब हमारी तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर का झुकाव जो है शनि की तरफ होता है ना, तो व्यक्ति के अंदर चाहे महिला पुरुष कोई भी हो, धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका है, आप ईश्वर में श्रद्धा भाव रखते हैं। बीच की उंगली लंबी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा बली है, लंबी है, और पहले यहाँ तक पहुँच रही है, तो इसका मतलब है फितरत ऐसी रहेगी कि अचानक धन की प्राप्ति हो, चाहे किसी रूप में हो। अगर ये मिडिल फिंगर से छोटी है, मिडिल फिंगर से अगर छोटी है तो हिम्मती स्वभाव को ये जन्म देगी, और जीवन में सूर्य के बलि और अनुकूल होने पर यश की प्राप्ति होगी, सफलता की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। यहाँ पे फोटो मैंने जो है ना उंगली लगभग जो है इसके बराबर दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है एक्चुअल में ये छोटी हो। अगर ये मिडिल फिंगर से छोटी है और बृहस्पति की उंगली से बड़ी है तो इसे बहुत अच्छा माना जाएगा। ये सूर्य के पुष्ट और सुंदर होने पर यश की प्राप्ति करवाएगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ हिम्मती स्वभाव देगी, और रिस्क लेने की क्षमता में असर डालेगी, क्षमता को बढ़ाएगी। यहाँ पे अगर देखा जाए कनिष्ठा आपकी अच्छी खासी लंबी है, लेकिन पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम आपकी रेखाओं के ऊपर चलें, देखिएगा
आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से आती हुई और इन दोनों पर्वतों के बीच में जा रही है, और इस पे देखोगे आप गुरु का और शनि का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। और जब हमारी हृदय की लकीर पर इन दो पर्वतों का बलाबल आता है ना, तो ऐसे लोग निश्चित ही अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। इनकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की होती है। इस रेखा पर गुरु का प्रभाव ज़्यादा आ रहा है, जिस कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है अपने रुचिकर क्षेत्र में। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव आ रहा है, जिसके प्रभाव के कारण आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, एन के एन प्रकारें जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें आपकी ब्रेन की रेखा की हमने बात कर ली है, यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और इस तरह से जो है यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। देखिएगा बीच में जो है आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटा होगा जिससे आपके जीवन में स्वास्थ्य के मामले में हो या किसी भी मामले में हो जीवन में बहुत बड़ा जो है आपको संघर्ष झेलना पड़ा होगा, लेकिन आगे नहीं है। आगे आपका जो जीवन है वो निरंतर उन्नति की ओर आपको ले जा रहा है। जीवन में न तो बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है, न बहुत बड़ी परेशानी दिखाई दे रही है, और जीवन में जो आपके ग्रह हैं वो अगर अनुकूल हो जाते हैं तो आने वाला जो समय रहेगा, चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे सामाजिक रूप में हो, चाहे जो है मानसिक रूप में हो, बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन सूर्य को, शनि को, इन ग्रहों को जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी मस्तिष्क की लकीर देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा अलग है ना, ये रेखा भी छूट रही है तो ये रेखा दो मुँह ही हो रही है, तो इसका जो है ये कारण दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से जाती हुई और बुध की ओर जा रही है। निश्चित तौर पे अगर आप देखोगे, हाँ ये रेखा जरूर कह रही है कि आप जो है जो क्षेत्र आपका है उस क्षेत्र में आगे चलकर सूर्य और शनि के ठीक होने पर बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। अगर आपका सूर्य और आपका शनि 2.5 वर्षों के बाद ठीक हो जाता है तो आप उस क्षेत्र में पुनः एक्टिव हो जाना, क्योंकि ये सम्मान दिलाएगा या तो व्यापार में लाभ दिलाएगी। ये रेखा बहुत अच्छी रेखा है, जीवन की लकीर से चलती हुई दिखाई दे रही है बुध की ओर। तो खेल के क्षेत्र में यदि व्यक्ति ऐसा करियर बनाता है तो सफलता की प्राप्ति करता है, और जो है मगर तब जब सूर्य और शनि आपका अच्छा हो। एक रेखा आपकी इधर से जाती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन एकाएक हृदय की लकीर पर मिल रही है, और ये करियर और धन की लकीर है। और जब ये रेखा जीवन की रेखा से निकलती है तो व्यक्ति को बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे लोगों के ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये रेखा आपको जो है यहाँ पे सचेत भी कर रही है। जब ये रेखा हृदय रेखा पर मिलकर उसमें समाहित हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही प्रैक्टिकल रूप से देखेगा अपने जीवन काल में भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले लेता है, और उस एक गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। ये कह रही है कि जरूरी नहीं ऐसा होगा, लेकिन ये इंडिकेट कर रही है कि इसकी संभावना 100% है। थोड़ा जो है भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा निर्णय न लें जिससे अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारनी पड़े, अपने विकास को खुद रोकना पड़े, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। एक रेखा इस तरह से निकल करके मस्तिष्क की रेखा से आती हुई दिखाई दे रही है, और चंद्रमा पे आ रही है मध्य चंद्रमा पर, और चंद्रमा क्या है, कल्पनाओं का ग्रह है। और जब मस्तिष्क की लकीर चंद्रमा पर आती है तो ये कह रही है कि आने वाले समय में या जीवन में जो चल रहा है
बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता आपके जीवन में रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है, आप कल्पना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और उन कल्पनाओं में ही बहुत सारी जीवन काल के लिए योजनाएं बन रही हैं। लेकिन सूर्य के कमज़ोर होने से, शनि के दुष्प्रभाव पड़ने के कारण वो योजनाएं भौतिक रूप में नहीं आ रही हैं, जिससे मानसिक परेशानी जन्म ले रही है, अवसाद की स्थिति यहाँ पे जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, मस्तिष्क की लकीर से एक रेखा शनि की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अपने क्षेत्र में निश्चित तौर पे खोज भी हो रही है, उच्च कोटि की खोज हो रही है, अच्छी योजनाएं बन रही है कि इस तरह से ये किया जाए, इस तरह से ये किया जाए, एक खोज हो रही कि क्या करके क्या होता है। और कभी कभी व्यक्ति इसमें सफल भी हो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क है ये। यहाँ पे एक कट का निशान भी बन रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी छठी इंद्री जो है जागृत अवश्य होगी और अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति होगी और भविष्य में क्या घटने वाला है उसका आभास बहुत ज़्यादा होने लगेगा, इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। हाँ, अचल संपत्ति का भी बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन काल में होगा। एक चीज़ है आपके जीवन में, जीवन की रेखा मस्तिष्क की रेखा के बीच बहुत बड़ा गैप है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, कुछ भी कहें स्वयं के मन के करने वाला व्यक्तित्व आपका है, किसी के कंट्रोल में, किसी के अंडर में, आधिपत्य में आप कार्य नहीं कर सकती हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत निर्णय ले लेते हैं और उसके कारण पछताना भी पड़ता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट की क्षमता भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रहे, इस गैप की वजह से आपको दूसरे का कहा सहन नहीं हो सकता है, दूसरे का कंट्रोल, दूसरे के अंडर किसी के स्वामित्व में काम करना आपको अच्छा नहीं लग सकता है, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो निर्णय लें त्वरित ना लें, थोड़ा सोच समझ कर लें, क्योंकि पछताना भी पड़ सकता है, बार बार ऐसे निर्णय आप ले सकते हैं। आपकी ग्रहों की ओर चलते हैं, देखिएगा अंगूठे के नीचे का जो ये ग्रह है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उसके लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में वास्तव में ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगी, शुक्र ये बता रहा है। आपका चेहरा भी निश्चित तौर पे बड़ा खूबसूरत होगा और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी। इसी शुक्र की वजह से हर तरह की परिस्थिति को झेलने की क्षमता आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। वर्टिकल लाइनें भी दिख रही हैं, जिस काम को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक जो है उसको छोड़ेंगे नहीं, एक जो है जुझारोपन जो है अपने काम के प्रति यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप देखोगे गौण रेखाओं का पूरा जाल बिछा हुआ है और गौण रेखाओं का जब जाल बिछता है ना, तो व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, बहुत ज़्यादा जो है चिंता कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति ऐसे में रहती है, यही शुक्र वर्तमान में देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर मंगल की हमने बात कर ली है, बृहस्पति सूर्य शनि की बात कर ली है, यहाँ पे बुध देखा जाए तो बुध वर्तमान समय में यहाँ पे साधारण भाव में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये कहें कि अपने व्यवसाय के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो मध्यम स्थिति ये बनाई हुई दिखाई दे रहा है, बाकी हमने सभी चीज़ का विश्लेषण कर ही दिया है। अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है, जीवन में जब ये तीन रेखाएं बहुत सुंदर दिखाई दे और मणिबंध साफ दिखाई दे त
तब जाके ये समझना चाहिए कि जीवन में संघर्ष अब लगभग ख़त्म हो गया है और धन विद्या और प्रतिष्ठा जीवन में आनी शुरू हो गई है, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके बता दिया है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका करियर का मामला हो, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन का मामला हो, सभी सवालों का जवाब इसमें मैंने दे दिया है और ग्रहों की स्थिति को भली भांति पढ़ करके आपको वीडियो में सुना दिया है। साथ में उपाय जो है विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, अगर आपको सुंदर लगे तो थोड़ी सी अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा, जीवनचर्या को बदलिएगा, खान पान में भी थोड़ा सा जो है परिवर्तन कर लीजिएगा तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होनी तय है। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।